जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदार, सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज हम यीशु मसीह की कृपा से देखने वाले हैं कि पाप और बीमारी के बीच में क्या कुछ संबंध है, क्या पाप के वजह से बीमारी आ जाती है, ये आज हम देखने वाले हैं। और बाइबल क्या कहता है ये भी आज हम देखेंगे। हालेलुया। हम जाएंगे लूका अध्याय 5:19। तभी कुछ लोग खाट पर लकवे के एक रोगी को लिए उसके पास आए। वे उसे भीतर लाकर यीशु के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भीड़ के कारण उसे भीतर लाने का रास्ता न पाते हुए वे ऊपर छत पर जा चढ़े और उन्होंने उसे उसके बिस्तर समेत छत के बीचों बीच से खपवेल हटाकर यीशु के सामने उतार दिया। उनके विश्वास को देखते हुए यीशु ने कहा, हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो भाई बहनों, यहाँ पे एक लकवे का मारा हुआ इंसान था, लकवा हुआ था, और उसे कुछ अच्छे दोस्त थे क्योंकि उन्होंने उसको लेके आया यहाँ पे। और जब उन्होंने देखा कि घर पे तो बहुत ही भीड़ है, तो वो दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, तो उसको छत पे लेके गए और छत फाड़ कर, थोड़ा तोड़ कर उसको नीचे ढकेला, नीचे उतारा। तो जब यीशु मसीह ने जो है उसके विश्वास को देखा, कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। भाइयों बहनों, ये लोग जो आए थे, ये लोग आए थे चंगाई के लिए। उनको लगा होगा कि यीशु मसीह उनको उनके जो दोस्त थे उनको चंगा करेंगे, उनको उस दोस्त को कहेंगे जाओ तुम उठो, अभी तुम चंगे हो चुके हो। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके आंखों में देख के कहा, हे मित्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी ये बात किसी को समझ में नहीं आई, मगर ये बात जो लखा हुआ मारा हुआ इंसान था उसको समझ में आई, क्योंकि उसको मालूम था कि उससे कुछ पाप किए और उस पाप के वजह से ये सब बीमारियां आ गई है। इसमें यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि ये जो इंसान था, ये इंसान क्यों बीमार था, ये इंसान बीमार था पाप के वजह से। पाप के वजह से उसके जीवन में बीमारी आई, लकवापन आया। भाइयों बहनों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ, बीमारी और पाप का संबंध है। आइए आगे पढ़ते हैं, लूक 5:24। उसने लकवे के मावे से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और घर चला जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो उनको चंगा किया। यीशु ने कहा, तुम खड़ा हो जाओ, बिस्तर उठाओ और घर चला जाओ, घर चला जाओ। भाई बहनों, मगर पहले यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि ये बात उसके कान पे पढ़ना बहुत आवश्यक थी कि जो गंदे पाप उसने किए और जिस पाप के वजह से उसकी ये दुर्दशा हुई है, जिस पाप के वजह से वो बीमार पड़ा है, उसको ये सुनना बहुत आवश्यक था कि उसकी पाप की क्षमा हो गई है। भाई बहनों, जब हमारी पाप की क्षमा हो जाती है, वो दोषीपन जो है वो निकल जाता है, और जब दोषीपन निकल जाता है तो चंगाई जो है, चंगाई शुरू हो जाती है और हमें चंगाई मिलती है। भाई बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी बीमार है वो सब पाप के वजह से बीमार है, नहीं, मगर एक हकीकत है, पाप और बीमारियों का संबंध है। पाप के वजह से हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, मगर जब उस पाप की क्षमा हो जाती है वो बीमारी भी चली जाती है। आइए और एक उदाहरण पढ़ते, यूहन्ना 5:1। इन बातों के पश्चात मसीह यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक जलाशय है जो इब्री भाषा में बेतज्जादा कहलाता है, जिसके 5 ओसावे हैं। उसके किनारे अंधे, अपंग और लकवे के अनेक लोग ही पड़े रहते हैं। उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो 38 वर्ष से रोगी था। मसीह यीशु ने उससे वहाँ पड़े हुए देख और यह मालूम होने पर कि वह वहाँ बहुत समय से पड़ा हुआ है, उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दे दिया, श्रीमान, ऐसा कोई नहीं है जो जल के हिलाने पर मुझे जलाशय में उतारे। मैं प्रयास के पूर्वक
ही कोई अन्य व्यक्ति उसमें उतर जाता है। मसीह यीशु ने उससे कहा, उठो अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो। तुरंत वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और वह अपना बिछौना उठाकर चला गया। तो भाई बहनों, अभी यहाँ पे और एक लकवे का मारा हुआ इंसान था, वो 38 साल से वो स्थिति में था। 38 साल से वो चल नहीं सकता था, वो पड़ा हुआ था। कितना बड़ा समय से वो जो है वो परेशानी में था, दुख में जी रहा था, दूसरे के ऊपर वो निर्भर था। जो कोई दूसरा खाना देते थे तब वो खाना खा सकता होगा, कि खुद तो कुछ नहीं कर सकता है। मगर यीशु मसीह ने जो है उसको चंगाई दे दी और यीशु मसीह ने उसको स्वस्थ किया। देखते आगे क्या हुआ। कुछ समय बाद मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देख उससे कहा, देख तुम स्वस्थ हो गए हो, आप पाप न करना, ऐसा न हो कि तुम्हारा हाल इससे ज्यादा बुरा हो जाए। भाई बहनों, अभी यहां पे यीशु मसीह ने जो है वो तो चंगा हो गया। यीशु मसीह ने उसको मंदिर में देखा और जब देखा यीशु मसीह ने कहा, अभी पाप मत करना, अगर पाप करेंगे तो इससे ज्यादा हालत बेकार हो जाएगी। तो इसका मतलब है उसकी जो हालत हुई थी, जो लकवापन उसके जीवन में आया था, वो आया था पाप के वजह से। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आप पाप मत करना, नहीं तो बुरा हाल होने वाला है। भाई बहनों, पाप बीमारी लेके आ सकता है। आइए और एक पढ़ते, रोमियो 1:26-27। यह देखकर परमेश्वर ने उन्हें निर्लज्ज कामनाओं को सौंप दिया, फलस्वरूप उनकी स्त्रियां ने प्राकृतिक योनाचार के स्थान पर अप्राकृतिक योनाचार अपना लिया। इसी प्रकार स्त्रियों के साथ प्राकृतिक योनाचार को छोड़कर पुरुष अन्य पुरुष के लिए कामाग्नि में जलने लगे। पुरुष पुरुष के साथ ही निर्लज्ज व्यवहार करने लगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने ही शरीर में अपनी अपंगता का दुष्परिणाम प्राप्त हुआ। यानी पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, ये तो भयानक पाप है। और उससे कारण क्या हुआ, बाइबल कहती है कि शरीर में अपनी अपंगता का दुष्परिणाम प्राप्त हुआ है। पाप बीमारी लेके आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जो बीमार है वो पाप के वजह से, मगर है कुछ बीमार जो हो गए हैं पाप के वजह से। अगर वो पश्चाताप करते हैं, पाप उनकी पाप की क्षमा हो जाती है, तो वो चंगाई प्राप्त करेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 2:24, उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया, ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। यह उसने उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किए गए हो। भाइयों बहनों, आपको सजा भुगतने की आवश्यकता नहीं है। जो पाप आपने किए, जो गंदे पाप आपने किए, आपको जो है उसकी सजा भुगतने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए आप क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, अपनी जान दे दी, 3 दिन के बाद वो जी उठे, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके पाप की क्षमा हो जाएगी आज। और जो घाव उसने खाई है, उस घाव से आप चंगे हो जाएंगे। भाई बहनों, यही जो है ये शुभ संदेश है कि चाहे आप कितने भी पापी हो, हम सब पापी है, कोई भी नहीं कह सकता आज मैं पापी नहीं हूं, सब पापी है, सब गिर गए हैं। भले बाहर से अच्छे दिखते रहेंगे, अच्छे कपड़े डालते रहेंगे, मगर अंदर से गिर गए। मगर आज हमको मौका है पश्चाताप का। यदि आज हम पश्चाताप करेंगे, पापों की क्षमा मांगेंगे, तो हमें जो है पाप की क्षमा हो जाएगी, सब बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। हाय, हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमेन।